हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज लालन। जैसे कि आपको पता ही है, पर जो तुम्हें, चलो आओ तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। पीनी है कॉफी? मुझे ना ठंडा ठंडा जूस पिलाओ। चलो उठ जाओ फिर, मजे का। चलो उठो, पिलाता हूँ। चलो चलो, मैंने भी 2 साल जिंदा रहना। वो पहाड़िया है ना? कौन सी पहाड़िया? वो पहाड़िया। अच्छा, वो यार ये लाहौर में भी पहाड़िया होती है। केरी पहाड़िया यार? वो सीरियसली अली, वो पहाड़िया नहीं है? हाँ पहाड़ियाँ, कश्मीर के पहाड़ हैं वो। नजर पहाड़ियाँ कहाँ से आई? ये कश्मीर के पहाड़ है ना, लाहौर के साथ ही है कश्मीर है? हाँ, असल में सूरज ग्रूब हो रहा है ना, नजर आ रही है। नजर आ रही है, मैं हाँ ये कश्मीर की है ना, नजर आ रही है। मैं दिखाता हूँ लोगों को। काफी रिसर्च करने के बाद मैडम ने ये नतीजा निकाला कि ये जो पहाड़ियाँ ना सामने, ये पहाड़ियाँ नहीं है। पहाड़ियाँ कितनी प्यारी ब्यूटीफुल है, ज़ूम। ये किधर की पहाड़ियाँ? लाहौर में पहाड़ियाँ यार, कश्मीर की। हाँ, बहुत रिसर्च। हमारे लाहौर में पहाड़ियाँ है, कश्मीर की पहाड़ियाँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी है यार। मैडम होफे खुदा करो, ये थोड़ी सी मिट्टी ऊंची हुई है और पहाड़ी बन गई है। ए नहीं, अली वो पहाड़ियाँ ना। हाँ चलो जी। मैडम की रिसर्च के मुताबिक लाहौर में ये कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। ये मैडम वैक्सीन लगवाने के बाद हिल गई हुई है, तो इन्हें पहाड़ियाँ नजर आ रही है। दिमाग में वैक्सीन लगाई उन्होंने कहा। मैडम को कोई चीज की होश नहीं है, लेकिन मेकअप की होश है भाई। गर्मी बहुत है भाई, तो अंदर हमें मना कर दिया था कैमरा, लेकिन वो भाई ने कहा चलो यार आप टिकटॉक करो तो आप बना लो। मेरा बहुत बड़ा फैन था, बाहर तक छोड़ने आए हैं, कहते हैं आप जाएं और आपकी 20 डेज बाद आएगा। 28 डेज बाद आइएगा डोज 2 लगाने के लिए। लेकिन वो पहाड़ियाँ सबसे बेस्ट है, आप जो भी एक्सपो सेंटर आए पहाड़ियों में जरूर इंजॉय द लाइफ करिएगा। क्या बात है मैडम। मैडम अब आप किधर जा रही हैं? पहाड़ियों में। क्या बात है, लेके चलते हैं पहाड़ियों में। यशियां फुल यम्पम मॉल, यम्पम यम्पम मॉल। जाओ सो जा, आगे अभी तुम्हें फीवर होना है। अभी रात को दर्द है, फाइजर लगवाने के बाद नहीं होता। वो तुमने लगाई थी साइनोवैक, पता नहीं कौन सी वैक, तीसरी वैक, चौथी वैक। फाइजर सबसे तो वैसे आपने मैडम क्यों लगवाई? कनाडा के लिए लगवाई है आपने? कनाडा के लिए लगवाई, मैं कनाडा जा रही हूँ। मैं सबसे रिकमेंड करूंगी जो भी लगवाए फाइजर लगवाए, और फिर कनाडा मैडम आप इस्लाम करना यार। ये मैडम को बंदा क्या okay. मैडम ना मीटिंग कर रही है, कोई ऐप की प्रमोशन आई है इनके पास। हाँ। तो ये ना अली भाई को चूना लगा रही है कि इस ऐप में जाओ, ऐप पे ना साइकिल चलाना शुरू कर दे, पेट्रोल का खर्चा। मैं तो कहती हूँ साइकिल भी ना चलाओ तुम, अपना सवारियां देना। कह रहा है मैडम, कह रहा है वो गाड़ी कितने, कहता मैडम मैं मेरे गाड़ी के साथ चले आए, बस जैसे ये मिस्टर आदिल अग्रवाल का काम है, यू नो फ्लर्टिंग, वैसे तुम करना। आपको एक ब्रादराना मशवरा भाई, आप GF नहीं बनानी, आपके नुकसान होने। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो बस आप गरीब हो जाओगे। आपने GF नहीं बनानी, अब मान भी नहीं रही। चलो घर क्या तुमने सड़क में तमाशा, कैमरा बंद करते हो तो मैं GF तोड़ूं। मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि भाई GF बनाने के साइड इफेक्ट्स कितने हैं। तो अभी इसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता, पब्लिक प्लेस है, क्योंकि ये तो बदतमीजी कर लेती है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है बात सुनो, चले घर का टाइम हो गया। ये जो हुआवे का रह गया ना फोन, ये भी तुमने तोड़ देना, और जो मेरा व्लॉगिंग वाला एक फोन है वो भी तुमने। तो क्या आ गया, टूट गया तो कोई तूफान नहीं आ गया? 2 लाख का नुकसान कर दिया तुमने एक दिन में, और हम मेरा तो फोन गिरा वो समंदर के अंदर उठा के लेकर आया तुम। ओ भाई उधर बंदा डूब जाता है, पागल हो गई हो? 5-6 फुट की होती है, उस बंदे ने मुझे बताया था। अच्छा कश्ती अंदर वो चल रही है और कह रही है 4 फुट में, कश्ती कैसे चल सकती है यार। चलो अब घर का टाइम हो गया, चलो तुमने बंद करो, मुझे एडिट मत करो प्लीज। चलो जाओ यहाँ ना, एडिट करो मुझे। गुजरात में खड़े हैं। ओ यार हाथ धो गई है, तो पब्लिक प्लेस में ना इसके साथ आना बहुत अजाब है। अब वो देखो चलती जा रही है, अकेली चलती जा रही है भाई, और गाड़ी उधर नहीं खड़ी, खुद फेंक है और इल्जाम मेरे पे। किधर जा रही है? मैंने कहा मेरे पीछे मत आओ, नहीं दिमाग खराब करो मेरा। क्या मोबाइल खुद फेंका इस बंदी ने और बातें मुझे सुना रही है। ये देखो अकेली रूह खड़ी होती है ना, देख के आ रही है बच्चों को देख के। मोबाइल नहीं ना इंसान फेंकता, पहले ध्यान से कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से ना किसी का मोबाइल चोरी करूंगी, मुझे गुस्सा ना चलाओ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो यार ये बंदी अपना मोबाइल फेंक दी है इसने और मुझे बातें सुना रही है। मैंने कहा भी था वोटिंग अकेली ना करो, मुझे ले जाओ मेरा मोबाइल। ओ शिट, सारा मोबाइल इसने बैग टूट गई है यार। अब आ
मन नहीं हो रहा यार, बहुत ज्यादा तुम बीट बन दी हो। अब तुम्हारा मोबाइल टूट गया, तुमने मेरा भी फेंक दिया, पागल हो गई हुई हो। वैसे ना चलाने की जरूरत नहीं है सड़क के ऊपर, तुम्हें तो बात करने की कैसे बात करते हैं, एक मोबाइल के पीछे मेरा फोन गिरा है उधर, तुम छलांग नहीं मारे गिरने के लिए। पब्लिक प्लेस और ये बंदी बातमीजी कर रही है, तुम्हें तोड़ दू।